मेरा नाम किशन, आज हम आए पंजाब के जीरकपुर के पीर मसाला में। उप चुनाव कार्यक्रम का जो उद्घाटन हुआ है, और हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो वार्ड नंबर 10 के हैं, जो आइए हम इनके बारे में जानकारी करते हैं। सर, आप जनता के लिए क्या सेवा करना चाहते हैं? आज हमारे आदरणीय सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों साहब आए थे और हमारे दफ्तर का उद्घाटन किया उन्होंने, जीवन काटा, और काफ़ी संख्या में, हमें पता नहीं था कि इतनी संख्या में हमारे पास जो है यहाँ के जो रेजिडेंट हैं, यहाँ के जो वेलफेयर एसोसिएशन के रेजिडेंट हैं, वो आएंगे। मैंने उनको भी, उन सभी के संबोधन में भी यही बात कही थी कि आज के बाद मेरे दो बेटे और मेरी बीवी या मेरे बच्चे या मेरा परिवार नहीं है। आज के बाद मेरा परिवार जो है वो 2160 लोगों का परिवार बन चुका है। मेरे वार्ड में 2160 वोट है, मैं 2160 लोगों का मेरे साथ आज परिवार जुड़ा है। इनकी जो भी असुविधाएं होंगी, जो भी कमियां होंगी, कुछ जरूरतें होंगी, उस काम के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और आप मुझे आशीर्वाद दें, आपकी हर सुविधा का हल जो है वो मैं सरकार से, हमारी सरकार है पंजाब में और हमारे दीपेंद्र सिंह ढिल्लों साहब हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलके कमेटी में अपनी सरकार बनाएंगे। और यहाँ के जो 20 साल में यहाँ पे ऐसे काम हुए हैं, जिन कामों को ये कह रहे हैं हमने अच्छा किया, मैं उन कामों को अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं अपने भाषण में भी बोला था कि आज पहला मुद्दा मार्केट में मैं लेके आया हूँ, डंपिंग ग्राउंड जो यहाँ बनने जा रहा है, हमारे बच्चों के लिए कैसा नसूर होगा वो, जो हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे कि अगर हमारे पिताजी ने, हमारे उस समय पूर्वजों ने ये बात सोची होती, ये यहाँ से डंपिंग ग्राउंड हटवा देते तो बहुत बड़ा काम होता। इस काम के लिए ये डंपिंग ग्राउंड का जो मामला है, मैं हर घर में लेके जाऊंगा। हमारे ये करोड़ करोड़ रुपए के फ्लैट हैं, इन फ्लैटों का जो वो कम हो जाएंगे, वो 50-50 लाख रुपए के, 20-20 लाख के रह जाएंगे अगर डंपिंग ग्राउंड यहाँ पे रहेंगे। और पहली मीटिंग में इसका काम करना है, इसको शिफ्ट करना है, इससे ग्राउंड वाटर बिल्कुल जीरो हो रहा है पी मसाला का, एक बात। दूसरी बात, आने वाले समय में ये इतनी बड़ी पहाड़ी बन जाएगी, इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा, जैसे आप दिल्ली करनाल बाईपास पे जाते हैं, बढ़िया बड़ी पहाड़ियां वहाँ पे कूड़े के ढेर की लगी हुई हैं, ऐसा ही पहाड़ियों यहाँ पे भी बनने जा रही हैं। ये जो गिफ्ट है, इस गिफ्ट को हम वापस कर देंगे। आने वाली 17 तारीख को जब हमारा ये इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद पहली मीटिंग में, पहली कलम से हम ये डंपिंग ग्राउंड यहाँ से हटा देंगे। इस बात का जनता से वादा करते हैं। और जो भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, उनके ऊपर बड़ी गंभीरता से काम करने की इच्छा से आए हैं। हमारा स्लोगन एक ही है, अच्छे मन से आए हैं, अच्छे काम करेंगे। इसी सभी शुभ इच्छाओं के साथ आप सभी को भी गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 14 फरवरी को पंजे के निशान पर मोहर लगा के आप मुझे कामयाब कीजिए, और हम सब मिलकर के एक अच्छा और मजबूत कमेटी जो है वो गठित कीजिए। भास्कर शास्त्री, सर आप क्या रखना चाहते हैं बात में? मैं ब्राह्मण समाज वेलफेयर पंजाब ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर सेवा संभाला है। सो आज यहाँ हम किसी पार्टी के पर्पज से नहीं, बकायदा एक ईमानदार जिसने ग्राउंड लेवल से सेवा शुरू की समाज की, चाहे वो राशन वितरण की सेवा थी, कोई भी सेवा छोटी से छोटी बिना जात पात के हर्ष ऋषि जी ने की है, चाहे वो लंगर लगाने की सेवा हो, अमरनाथ देख लो, मणिकरण देख सकते हैं आप, मणि महेश देख सकते हैं, और भी कई ऐसे काम हैं जो आज तो दफ्तर की ओपनिंग है, मैं गिना नहीं सकता। तो आज मैं और मेरे साथ कांग्रेस के एबी संधु जॉइंट सेक्रेटरी, मेरे बाकी मित्रगण और हमारे प्रधान जी, इनको समर्थन देने के लिए आए हैं, शुभकामना करते हैं। मैं ब्राह्मण समाज वेलफेयर फ्रंट पंजाब की तरफ से इनको शुभकामना करता हूँ और लोगों को संदेश देता हूँ कि द रियल कॉमन मैन हर्ष, आप एक बार, आपने 21 वर्ष से यहाँ का विकास देखा होगा क्या है। हम निंदा नहीं किसी की करते, हम निदान
निंदा नहीं, हम तो डायग्नोज करते हैं निदान। तो वो निदान के लिए एक ऐसा सुंदर छवि वाला एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका हौसला बुलंद रखे महाराज, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के कदम के साथ कदम मिलाकर चले। बोल शंकर भगवान की जय। वेलफेयर फ्रंट पंजाब दास सेवक अश्विनी पास्तर शास्त्री आचार्य श्री काली माता मंदिर पटियाला तो बहुत ही खुशी का समय है, क्योंकि कारण की है कि अज की सोच की है इनू स्पष्ट किया साडे ढिल्लो साहब ने, क्योंकि जमीनी पत्थर तो लड़न वाले लोग अज बहुत जरूरी है कि समाज के विच वो लोग आन जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हो। ऐसी एक छवि है हर्ष ऋषि जी की, बिना जात पात तो बिल्कुल सबनों साइड पर रख दो, कल्ले पंजाब च ही नहीं पूरे इंडिया के सेवा करने वाले ऐसे शख्स को ढिल्लो साहब ने अज मौका दिता है। उस मौके के उत्ते साडे पंजाब प्रधान भी पहुंचे ने, सो कांग्रेस के पतवंते सज्जन भी पहुंचे ने, और बाकी जिन्हें भी पीर मुछले के उरे पहुंचे हुए ने सब का स्वागत करते हैं। सो इस तरह ही दीपिंदर ढिल्लो जी अपना हथ साडे बड़े भाई हर्ष ऋषि से रखन, असी मोढ़े नाल मोढ़ा मिला के कदम नाल कदम मिला के इन्हां दी सोच ते पहरा देवांगे। सो ये लड़ाई जो एक युद्ध हुंदा, हर एक चीज़ एक युद्ध है, सो उस महामाई आदि शक्ति जिसकी आराधना दशम ग्रंथ के विच साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने भी करी है, सो अच शक्ति प्राप्त करन दे लई आओ सब तो पहला स्वागत करांगे साडे पंजाब प्रधान जी वल्लों दीपिंदर सिंह ढिल्लो जी दा, ते सहरा बंधन जित दा जिथे ऐसे सज्जन स्वयं खड़े होण उत्थे जित मुमकिन हो जांदी आ, जिथे सारे भाइयों का साथ होवे। एक जय घोष करते हुए कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।